इस बार की तीज की तैयारी मैंने कैसे किया और तीज क्रिया कैसे की, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो सबसे पहले मैं कपड़े की दुकान पे आई, साड़ी लेना था मुझे, तो मुझे साड़ी कुछ खास पसंद नहीं आई, फिर भी मैंने एक साड़ी लिया माँ गौरी को दान कर मतलब चढ़ाने के लिए। और मैं थोड़ा सा मेहंदी लगवाएंगी, तो मेरा एक हाथ पहले से कम्प्लीट हो चुका है और दूसरी हाथ में मैं अपने बेटी से मेहंदी लगवा रही हूँ। तो सुहागन लोग सब कोई पहले पूरा 16 श्रृंगार जो कहा जाता है करके ही तीज पूजा करती हैं, जैसे करवा चौथ में सभी श्रृंगार करने के बाद ही पूजा किया जाता है, उसी तरह तीज का भी अपना एक अलग महत्व है। इसमें भी 16 श्रृंगार करके पूरा सज धज करके ही तीज पूजा किया जाता है, ताकि माँ गौरी आशीर्वाद दें सदा सुहागन रहने का। तो पूरा कम्प्लीट लुक में ही हम लोग को आशीर्वाद मिले, क्योंकि जब भी माँ से आशीर्वाद लिया जाता है तो माँ बोलती हैं तथास्तु, मतलब हमेशा ऐसा ही रहो। तो सुहागिन लेडीज जितनी होती हैं सब चाहती हैं कि भाई मैं 16 श्रृंगार में ही रहूं और माँ हमको हमेशा ऐसे ही बने रहने की आशीर्वाद दें, इसलिए पूरा सज धज के हम लोग पूजा करते हैं। कुंवारी कन्याएं भी अपने सुयोग पति के लिए ये व्रत करती हैं, इस व्रत का बहुत ही महत्व है। तो सबसे पहले मेरा ये मेहंदी का जो काम चल रहा है, तो ये मैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगवाना और इसको सुखाना, इस पर मतलब टाइम देना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है, मैं थक जाती हूँ इसको सुखाते सुखाते, जल्दी से भाई कंप्लीट हो ताकि मैं दूसरा काम पर भी फोकस करूँ। मेरे पास टाइम अब बिल्कुल नहीं बचा है, बस मात्र कल तीज है और आज मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया है, इसलिए मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है। हर बार तो मैं पैर में भी मेहंदी लगवाती थी, लेकिन इस बार टाइम कम होने के कारण सिर्फ मैं हाथ में लगवा रही हूँ और इसी को जल्दी से कंप्लीट करना चाहती हूँ, ताकि ये कंप्लीट हो जाए तो मैं अपने पूजा पाठ और अन्य चीज़ जो मतलब हमको सजाना है, सरिया के रखना है, वो सब पर ज़्यादा फोकस करूँ। तो ये इसी क्रम में देखिए मेरी बेटी कितना सुंदर मेहंदी लगाई है, मेहंदी तो बहुत सुंदर लगाती है लेकिन बहुत टाइम लेती है, बच्ची है ना उससे उतना जल्दी लग नहीं पाता है, लेकिन देखिए कितना सुंदर ये मेहंदी लगा और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो अब मेरा ये मेहंदी जब तक सूखेगा थोड़ा सा मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, और मेहंदी सूखने के बाद मैं फल वगैरह जो भी लाई हूँ उसको सजाऊंगी पूजा के लिए। तो देखिए ये सेब खरीद कर मैं लाई हूँ, तो एक रख दी हूँ इधर नाशपाती मौसमी अनार मतलब जो भी फल ऋतु फल होते हैं, जैसे ये खीरा हो गया, केला हो गया, भुट्टा हो गया, इस मौसम में जितने फल मिलते हैं उसमें से जितना शक्ति हो आप लोग चढ़ा सकती हैं, मैं भी चढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा मैं पिड़िकियाँ बनाई हूँ और ये जितना श्रृंगार का सामान है ये माँ गौरी को मैं चढ़ाऊँगी, तो ये चढ़ाने वाले सब मैं एक जगह रखी हूँ। और ये बाँस का जो पात्र होता है तो ये विशेष महत्व रखता है, बाँस के पात्र में ही दान करना चाहिए। और ये माँ गौरी के लिए मैं एक साड़ी ली हूँ और ये तौलिया जो है ये भोले शंकर को चढ़ाऊंगी। तो इस तरह से मेरा ये दान कर मतलब चढ़ाने वाला कंप्लीट हो गया। एक ये क्लचर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं एक ये भी ले ली हूँ और छोटा सा ये पाउडर ले ली हूँ। तो इस तरह से मेरा ये दान का हो गया, अलग रखी हूँ, और ये जो चढ़ाने वाला हो गया मैं अलग रखी हूँ। दान वाला जैसे मैं शॉपिंग करके लाई हूँ वैसे ही है, उसको मैं अभी होली नहीं थी। और इधर मैं देखिए पूजा स्टार्ट की हूँ, उस उधर का भी थोड़ा सा आप लोगों से दिखा दे रही हूँ। तो पूजा करने में सबसे पहले केला का मंडप जो बनाया जाता है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं केला के मंडप बनाई हूँ और उसमें भोले शंकर को बना करके स्थापित करके उनका पूरा फैमिली, और तब मैं ये पूजा पाठ शुरू की हूँ। पूजा करने के बाद थोड़ा सा हम लोग भजन गाएंगे। आगे चले कोई पीछे चले, कोई आगे चले कोई पीछे चले, कोई पीछे से मारे सिसी करिया, श्री राजा जनक जी के बगिया, राम आगे चले सीता पीछे चले, राम आगे चले सीता पीछे चले, लक्ष्मण पीछे से मारे सिस करिया, श्री राजा जनक जी के बगिया। वहाँ भी मैं गई थी और वहाँ भी हम लोग साथ में पूजा किए। तो इस तरह से मेरा पूजा कंप्लीट हुआ।